समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। राष्ट्र मेला मैदान में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर झांसी प्रशासन ने रावण दहन में होने वाले मैदान का लिया जायजा। आपको बता दें कि झांसी में राष्ट्र मेला मैदान में दशहरे पर 12 अक्टूबर को रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन होगा। इसकी तैयारी का जायजा लेने के लिए कमिश्नर विमल दुबे और डीआईजी कलानिधि नैथानी पुलिस बल के साथ बृहस्पतिवार को लगभग 2:30 बजे मेला मैदान पहुंचे और वहां किस तरीके से दशहरा कमेटी इस कार्यक्रम को लेकर तैयारी कर रही है उसका निरीक्षण किया और मौके पर पहुंचे अफसरों ने कमेटी के लोगों से बातचीत कर जानकारी ली कि इस मैदान में कितने लोग आएंगे और आने जाने के रास्ते किस तरीके से बनाए जा रहे हैं। इन सब बातों पर चर्चा करने के बाद अधिकारियों ने वहां मौजूद पुलिस के अफसरों से कहा कि यहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए, साथ ही दमकल विभाग की गाड़ियों को भी लाया जाए और आने जाने वाले मार्ग पर पुलिस की पर्याप्त तैनाती की जाए ताकि किसी को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। देखिए, अभी आगामी त्योहारों के दृष्टिगत शासन की पूरी मंशा है कि इसको बिल्कुल सकुशल हम लोग ये सुनिश्चित करें कि जनता को बिना किसी व्यवधान के जो त्यौहार है वो मनाया जाए। उसके संदर्भ में आज मैंने और डीआईजी साहब ने मिलकर के समेकित रूप से पूरे शहर में जो संवेदनशील स्थान है उनका भ्रमण किया है, फुट पेट्रोल किया है, मार्च किया है। अभी हम लोगों ने यहाँ आने के पूर्व अंजनी माता के मंदिर हम लोग गए थे, वहाँ पर जो मेला चल रहा है उसकी व्यवस्थाओं को देखा है। इसके पश्चात सदर बाजार में काली माता का एक भव्य पंडाल है, उनकी व्यवस्थाओं को देखा। अभी हम लोग यहाँ पर आए हैं जहाँ पर दशहरे का रावण का पुतला दहन का बड़ा कार्यक्रम झांसी शहर में होता है। यहाँ पर देख करके संपूर्ण व्यवस्था को देखा है और ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता इस पर्व को बिल्कुल सकुशल तरीके से और आनंदपूर्वक मनाए, ऐसी समस्त व्यवस्थाएं हम लोग सुनिश्चित करें।